वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमको पढ़ना है एक्सेलेरेटर्स और रिटार्डर्स। इसके पहले मैंने आपको एडमिक्सचर्स में प्लास्टिसाइजर पढ़ाया था, सुपर प्लास्टिसाइजर पढ़ाया था, तो आज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलेरेटर। ठीक है, तो जैसा कि एक्सेलेरेटर आपको नाम ही बता रहा है कि एक्सेलेरेटर, एक जनरल अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ते हुए कि एक्सेलेरेटर से हम समझते क्या है, तो हम लोग अपने डेली रूटीन में जो लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, एक्सेलेरेटर, तो एक्सेलेरेटर क्या करता है, हमारी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। हमारी स्पीड को एक्सेलेरेटर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्योंकि एक्सेलेरेटर जैसे हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। सेम वही काम एक्सेलेरेटर यहाँ पे किस में करता है, कॉन्क्रीट में करता है। सेम वही काम हमारा एक्सेलेरेटर हमारे कॉन्क्रीट में करता है, वो हमारे रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन को हमारा इंक्रीज कर देता है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करने से हमारा क्या होता है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन वो बहुत तेजी से होने लगते हैं। हमारे केमिकल रिएक्शन जो क्या होते हैं, बहुत तेजी से होने लगते हैं। तो ये हमारा एक्सेलेरेटर का काम होता है। अब बात ये आती है कि एक्सेलेरेटर हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, क्या ऐसी कंडीशंस आती है कि हमको एक्सेलेरेटर यूज करना पड़ता है, तो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेलेरेटर का एक डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, एक्सेलेरेटर, आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सेलेरेटर, एन एडमिक्सचर इज यूज्ड टू speed up the initial set of concrete is called an accelerator। तो ये एक सिंपल से डेफिनेशन हो गया। क्या लिखा है, एन एडमिक्सचर, एक ऐसा एडमिक्सचर इज यूज्ड टू स्पीड अप, जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा, स्पीड अप द इनिशियल सेट ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड एन एक्सेलेरेटर। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया हमारे एक्सेलेरेटर का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर आप इसके नीचे लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड इन कॉन्क्रीट आयदर। क्या करते हैं कंक्रीट में यूज होने के लिए, पहला टू इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या, ये हमारे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, बहुत तेजी से होने लगते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शंस हमारे तेज। जो सेकेंड ये क्यों ऐड किए जाते हैं, टू शॉर्टन द सेटिंग टाइम। मतलब क्या, सेटिंग टाइम को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। सेटिंग टाइम को हमारा ये कम कर देते हैं। इनका दो ही काम होता है एक्सेलेरेटर को ऐड करने के, पहला क्या करते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हमारे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हमारा तेजी से होने लगता है। जो दूसरा इनका काम होता है, टू शॉर्टन द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम जैसे एक मानिए अगर ओपीसी की बात कर रहे हैं, अगर उसका फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, तो उसके इनिशियल उसके सेटिंग टाइम क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी और पहले वो सेट हो जाएगा। अब ये क्यों सेट होगा, किस कंडीशंस में करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के होने से क्या होता है, अब इन दोनों के होने से क्या होगा कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये दोनों जब प्रोसीजर होंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये जब दोनों एडमिक्सचर मिलाने से हमारे कॉन्क्रीट में या सीमेंट में हमारे मिलाने से जब ये दोनों चीज ये रिएक्शंस होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जो उसकी जमने की क्षमता रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। जो थोड़े देर बाद होता वो क्या हो जाएगा और पहले हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडमिक्सचर्स के मिलाने से हमारा क्या होता है। अब जो हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे हम इसको ऐसा यूज करते हैं, कहाँ पे ऐसी कंडीशंस आती है कि हमको एक्सेलेरेटर मिलाना पड़ता है। तो अगली हम हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ एक्सेलेरेटर्स। अगली जो हमारी हेडिंग है वो यूजेस ऑफ एक्सेलेरेटर। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यूजेस ऑफ एक्सेलेरेटर। सबसे पहला यूज यहां कहां आएगा, व्हेन कॉन्क्रीटिंग इज डन इन कोल्ड वेदर कंडीशन। अब आप पूछिए क्यों, व्हेन कॉन्क्रीटिंग इज डन इन कोल्ड वेदर कंडीशन, यानी जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है वहां पे हमको, जहां पे टेम्परेचर हमारे माइनस में होते हैं वहां पे हमको अपने सीमेंट कॉन्क्रीट में क्या होता है, एडमिक्सचर्स मिलाना पड़ता है। रीजन बिहाइंड दिस कि आपको पता है कि जो सीमेंट का इनिशियल सेट होता है वो 30 मिनट का होता है, ठीक। लेकिन कई ऐसे जगह हमारे इंडिया में है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या नॉर्थ साइड की जो ऐसी जगह है जहाँ पे लेह लद्दाख हो गया, वो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, कई जगह तो माइनस में, शिमला उमला में टेम्परेचर क्या होता है माइनस में होता है। तो जब वहां पे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो जैसे हम कॉन्क्रीट में, आपने बताया मैंने ओपीसी का आपको जो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, तो वो 30 मिनट हमको मिलेगा नहीं, वो 30 मिनट वहां पे मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां टेम्परेचर माइनस में है, टेम्परेचर माइनस में, यानी हम कॉन्क्रीट जैसे बनाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, वो तुरंत जमने लगेगा, तुरंत मतलब एक टाइम के बाद एक नॉर्मल वेदर कंडीशन में और एक जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है दोनों में डिफरेंस बहुत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ एक टाइम लेगा जमने के लिए और यहाँ पे क्या होगा, तुरंत जमने लगेगा। तो उस चीज को कम करने के लिए कि वो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो बरकरार रहे और हमारा सीमेंट अच्छे से कॉम्पैक्ट हो, प्लेस्ड हो हमारे ऐसे जगहों पे जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है, वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सेलेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेलेटर का यूज करने से क्या होगा, हमारा रिएक्शन टाइम जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा तेजी से होगा और इनिशियल सेट को क्या करेगा, वो कम कर देगा, टू शॉर्टन द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। तो हम ऐसे जगहों पर एक्सेलेटर्स यूज करते हैं। पॉइंट नंबर टू जो है, व्हेन वी रिक्वायर्ड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, व्हेन रिक्वायर्ड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन रिक्वायर्ड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध होने लगा या कहीं डैम टूट गया या कोई ऐसी इमरजेंसी चीज आ गई जहाँ पे स्ट्रक्चर हमको तुरंत बनाना है और वो अपने स्ट्रेंथ को गेन कर ले, अपने स्ट्रेंथ को गेन करने, या आर्मी के लिए कुछ बंकर्स बनाने हैं हमें या कुछ ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन करने हैं कुछ, या वॉल्स खड़े करने हैं जिसको हमको टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि 14 दिन 20 दिन 1 महीने टाइम है उसको आराम से बनाएंगे, कुछ इमरजेंसी वर्क्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको ऐसा करना पड़ जाए, तो वहां पे व्हेन वी रिक्वायर्ड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपना एक्सेलेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, व्हेन रिक्वायर्ड अर्ली रिमूवल ऑफ, ठीक, व्हेन रिक्वायर्ड अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, मतलब अगर हमको फॉर्मवर्क अपना जैसे मान लीजिए कि कहीं और हमको भेजना है या कुछ ऐसा करना है, हमारे पास फॉर्मवर्क कम है, स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे, फिर हमको वहां करना है, फिर वहां से वहां करना है, ठीक है। तो अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क जब हमको करना होगा तो हम अपने कॉन्क्रीट में क्या करना है, एडमिक्सचर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक। अब उससे होगा क्या कि अगर स्टैंडर्ड आपको पता है कि बीम फॉर्मवर्क का मतलब आप समझते हैं, मतलब
जो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जब हमारा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो जो सपोर्ट में हम स्ट्रक्चर्स लगाते हैं उसको हम लोग फॉर्मवर्क बोलते हैं, ठीक है। उसका आईएस कोड का एक स्पेशल रिकमेंडेशन है कि बीम के लिए इतना 14 दिन होना चाहिए, कॉलम के लिए इतना दिन होना चाहिए, बहुत सारे रिकमेंडेशन है जो कि हम अपने नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आएंगे, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमको पढ़ने को ये मिलेगा फॉर्मवर्क के बारे में। और आप चाहेंगे तो आईएस कोड 456/2000 से भी पढ़ सकते हैं इसकी सारी डिटेलिंग, ठीक है। तो आईएस कोड ने एक रिकमेंडेशन दिया फॉर्मवर्क का कि 14 दिन में, 21 दिन में, 28 दिन में हटाना है, लेकिन जब हम एक्सेलरेटर यूज कर देंगे तो उसको हम 3 दिन में, 5 दिन में एज पर द रिक्वायरमेंट उसको हम क्या करते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो तीन ये यूजेज हो गए। नंबर फोर्थ, when rapid setting is required, वही सेम चीज हो गया अर्ली स्ट्रेंथ या रैपिड सेटिंग, मतलब हमको सेटिंग जहाँ पे तुरंत चाहिए, मैंने बताया ना कुछ इमरजेंसी वर्क्स के लिए हमको तुरंत से रोड बनानी है, तुरंत से कंस्ट्रक्शन कहीं पे करना है, कुछ वॉर सिचुएशंस में ऐसी चीज आएंगी तो हमको रैपिड सेटिंग चाहिए, तो वहाँ पे हम एक्सेलेटर्स का यूज हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक्सेलेटर होता क्या है, वो क्या काम करता है कॉन्क्रीट में, फिर कहाँ कहाँ पे उसका यूजेज होता है एक्सेलेटर का, वो मैंने आपको बताया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर उस एग्जांपल्स के बारे में हम जानेंगे क्या एग्जांपल्स, मतलब कौन कौन से एक्सेलेटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। CaCl2 is work as a accelerator, retarder, both, none of these. तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। पहले मैं सारे एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसको किस यूज में यूज करते हैं। सेकेंड इज Na2SO4, थर्ड इज NaCl, फोर्थ इज क्यूज। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सेलेरेटर्स में आते हैं, ये हम एग्जांपल हैं। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन एक्सेलेरेटर है वो जो हम यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। पर कैल्शियम क्लोराइड के कुछ कंडीशंस हैं, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में इनको यूज करना है, कितने परसेंटेज में इनको यूज करना है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है सबसे इफेक्टिव एक्सेलेरेटर माना जाता है आपका, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि 2% बाई मास ऑफ सीमेंट इसको यूज करते हैं, ठीक है। 2% बाई मास ऑफ सीमेंट अगर हम लोग इसको यूज करेंगे, 2% बाई मास ऑफ सीमेंट अगर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वर्क एस एक्सेलेरेटर, ठीक। अगर 2% बाई मास ऑफ सीमेंट अगर इसको यूज कर रहे हैं, हम अपने मिला रहे हैं कॉन्क्रीट में कैल्शियम क्लोराइड को, तो ये एक्सेलेरेटर की टर्म काम करेगा। बट अगर इफ इंक्रीज द परसेंटेज देन वर्क एज रिटार्डर, मतलब हमको एक दो चीज पता चली यहां से, कि अगर 2% कैल्शियम क्लोराइड को हम बाय मास ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं अपने कॉन्क्रीट में, तो वर्क एज एक्सेलेरेटर काम करेगा। पर इसका अगर परसेंटेज हम लोग बढ़ा देते हैं, तो ये क्या करेगा, वर्क एज रिटार्डर, ये रिटार्डर की तरह काम करेगा। दूसरा इसका कैल्शियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, जो सबसे, ये मैंने पहला पॉइंट बताया
कि अगर 2% से ज्यादा यूज करें तो एक्सेलेटर, 2% तक यूज किया तो एक्सेलेटर, और 2 से ज्यादा यूज किया तो हमने रिटार्डर। एक स्ट्रेंथ के पैरामीटर पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन 2% बाय मास ऑफ सीमेंट यूज्ड, ठीक, रिड्यूसेस सेटिंग टाइम बाय 1/3, सेटिंग टाइम क्या करेगा 1/3 कम कर देगा, एंड रेजेस 1 to 7 days स्ट्रेंथ, 1 to 7 दिन की स्ट्रेंथ को क्या करेगा 7 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय 3 to 8 megapascal, 3 to 8 megapascal, यानी क्या क्या मतलब है कि 2% अगर हम बाय मास ऑफ सीमेंट यूज करते हैं अपने कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में इसको, तो क्या करेगा ये सेटिंग टाइम को 1/3 रिड्यूस कर देगा, 1/3 इसको रिड्यूस कर देगा, और 1 to 7 दिन का जो हमारा है 1 to 7 day कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको 3 to 8 megapascal तक क्या करेगा इंक्रीज कर देगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कैल्शियम क्लोराइड के बारे में ये दोनों चीजें आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती हैं। तो सबसे आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम क्लोराइड में अगर ये ऑप्शन आता है कि इट्स वर्क एज एक्सेलरेटर, रिटार्डर, बोथ एंड नन ऑफ दिस, देन द ऑप्शन इज बोथ, ठीक है। अगर सिर्फ पूछता है कि एक्सेलरेटर, रिटार्डर, सुपर प्लास्टिसाइजर और देन वर्क एज एक्सेलरेटर, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप इसको नोट डाउन कर लिए तो फिर इसको मैं रफ करके फिर आपको अगला पॉइंट बताऊं। एक और रिकमेंडेशन है जो कि मैंने लिख लिया है, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है कि IS 7861, जो IS कोड है 7861, उसने क्या रिकमेंड किया है, दैट 1.5% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन कोल्ड वेदर कंडीशन, इज यूज्ड, ठीक है, मतलब आई एस 786 ने बोला है कि 1.5% हम कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे, यूज करेंगे प्लेन और आरसीसी वर्क में इन कोल्ड वेदर कंडीशंस, इन कोल्ड वेदर कंडीशंस। पर क्लोराइड बेस्ड जो हमारे एक्सेलेटर्स होते हैं उनकी कुछ खामियां भी होती हैं, क्लोराइड बेस्ड जो हमारे एक्सेलेटर जितने भी होते हैं उनकी कुछ खामियां भी होती है। खामियां ये होती हैं कि ये कोरोजन को बढ़ावा देते हैं, कोरोजन को ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ये तो एक रिकमेंडेशन आईएस कोड का, ये उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए ऐसा कोशिश किया जाता है कि जो क्लोराइड बेस्ड जो हमारे एक्सेलरेटर्स होते हैं उनको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज ना करें, क्यों, क्योंकि वो हमारे अगर वहां पे आरसीसी वर्क हो रहा है, अगर इम्पोज
सीमेंट कंक्रीट कंक्रीट है मतलब रिइंफोर्समेंट है, उसको क्या करेंगे, कोरोजन करने, उसको कोरोड करने लगेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि जो भी क्लोराइड बेस्ड एक्सेलरेटर होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए आपको? आरसीसी वर्क में, अगर कहीं रिइंफोर्समेंट लग रहा है तो उसको यूज जनरली नहीं करना चाहिए। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में हमको यूज नहीं करना चाहिए। स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट, जहां पे स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट क्या आता है वहां पे इसका यूज नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि यूज इसका हम लोग ना करें। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के दिन में जो हमारा यूज हो रहा है एक्सेलरेटर्स, वो हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ट्रिथ्रोनिलामाइन यूज कर रहे हैं और सिलिकेट्स, फ्यूरोसिलिकेट यूज कर रहे हैं। ये क्योंकि मैंने बताया ना कि जो हमारे क्लोराइड बेस्ड एक्सेलरेटर्स हैं उनके साथ एक डिमेरिट यही है कि वो कोरोड कर देते हैं, कोरोजन ला देते हैं। तो ऐसा स्टडीज में पाया गया कि ये आरसीसी और प्री स्ट्रेस के दोनों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कोरोजन दे रहे हैं जिससे स्ट्रेंथ पे हमारा फर्क पड़ रहा है। तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए आज के डेट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपना एक्सेलरेटर, वो ट्रिथ्रोनिलामाइन है और सिलिकेट्स, फ्यूरोसिलिकेट्स है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम लोग अगला पढ़ेंगे अपना पढ़ेंगे रिटार्डर। ठीक, रिटार्डर, रिटार्डर का मतलब क्या हुआ? मंदक। क्या हुआ? मंदक, यानी जस्ट उल्टा एक्सेलेरेटर का, जस्ट रिवर्स एक्सेलेरेटर का। ठीक है, तो आप ये दिमाग लगाइए क्या हो सकता है ये। ठीक है, ये क्या करेगा? रिटार्डर का जो मेन काम होगा, रिड्यूसेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन, रिड्यूसेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या करेगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करेगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, दूसरे क्या कह रहे हैं? इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये जस्ट अपोजिट है किसका? एक्सेलरेटर का। तो आप अगर एक्सेलरेटर को आपको याद है तो रिटार्डर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा।
अब इन दोनों से क्या होगा, अगर ये दोनों रिएक्शन अगर हम किसी भी अपने कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में रिटार्डर मिला रहे हैं तो दो चीजें करेंगे, रिड्यूस द रेट ऑफ हाइड्रेशन, यानी जो केमिकल रिएक्शन है हमारा कॉन्क्रीट को वो बहुत धीरे धीरे, सीमेंट का रिएक्शन बहुत धीरे 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 चलेगा, उस धीरे चलने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज द सेटिंग टाइम, जो हमारा सेटिंग टाइम मान लीजिए इनिशियल सेटिंग 30 घंटा 30 मिनट था, वो और बढ़ जाएगा, सेटिंग टाइम और हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका आप अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है कि हम रिटार्डर क्यों यूज करते हैं, जो कि मैंने बताया, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये दो चीजें होती है, ठीक है। अब इन दोनों क्रियाओं का होने से हमारा फर्क क्या पड़ता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, इन दोनों से क्या हो जाता है, हमारा गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस, गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजेस, इन दोनों के होने से हमारा क्या होता है, गेन ऑफ स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब इसके हम यूज कहाँ करते हैं, हम ये जान लें, ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, और कौन कौन से हमारे रिटार्डर्स होते हैं, ठीक है। तो अगला हम इसका आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसके यूजेस ऑफ रिटार्डर्स, रिटार्डर्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए बेसिकली जो होता है कि हमारा रिटार्डर्स हम अपने हॉट वेदर कंडीशंस में यूज करते हैं, हॉट वेदर कंडीशन जहां पे होगी हम वहां पे अपना रिटार्डर यूज करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटार्डर का यूज का, वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको अपने आरएमसी प्लांट से, अपने आरएमसी प्लांट से क्या होता है कि उस कॉन्क्रीट को एक दूर जगह ले जाना है, कहीं दूर लेकर जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, जब टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, जब वहां प्रोसेस क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आपको पता है कि ओपीसी का इनिशियल सेट 30 मिनट होता है, मतलब 30 मिनट के अंदर ही उसको क्या होता है, कॉम्पैक्ट कर लें हम, प्लेस्ड कर दें। पर अगर हमको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारा एक घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा, एक घंटे से हमारा क्या होगा, ज्यादा का समय लग जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने उस पर क्या करें, रिटार्डर को मिलाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन होगा धीरे हो जाएगा, और सेटिंग टाइम जो हमारी 30 मिनट थी वो हो सकता है इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, वो हमारी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम जो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अपने सेटिंग टाइम को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रिटार्डर्स को मिला के, ठीक है। तो आप यूजेस में लिख सकते हैं, फर्स्ट पहले यूज में आप लिख सकते हैं, व्हेन कंक्रीटिंग इज डन इन हॉट वेदर कंडीशंस, आप लिख सकते हैं व्हेन कंक्रीटिंग इज डन इन हॉट वेदर कंडीशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ लिखे, रिक्वायर्ड डिले स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, जहां पे हमको स्ट्रेंथ डिले में चाहिए, देरी में चाहिए स्ट्रेंथ, वहां पे हम यूज करते हैं रिटार्डर्स का, जहां पे स्ट्रेंथ हमको डिले में थोड़ी देरी से स्ट्रेंथ आए वहां पे हम क्या करते हैं, अपना रिटार्डर का यूज करते हैं, ठीक। जहां पे स्लो सेटिंग कॉन्क्रीट हमको यूज करना, मतलब सेटिंग हमारी क्या हो, धीरे धीरे हो, वहां पे भी हम क्या करते हैं, अपना रिटार्डर का यूज करते हैं, ठीक है, रिटार्डर का यूज करते हैं। अब बात आती है कि रिटार्डर कौन सा रिटार्डर होता है, रिटार्डर में सबसे, रिटार्डर में आप क्या जानते हैं, CaSO4 जो सबसे कॉमन रिटार्डर हम लोग यूज करते हैं, जो जिप्सम के फॉर्म होता है, वो क्या होता है, CaSO4। CaSO4 क्या करता है, एक ऐसे वर्क एज अ रिटार्डर की तरह ये काम करता है, ठीक है, रिटार्डर की तरह काम करता है। अब आता है दूसरा सुगर, ये भी क्या करता है, वर्क एज रिटार्डर। थर्ड क्या होता है, स्टार्च, दिस ऑल आर द रिटार्डर्स, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सुगर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं आपको, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सुगर के बारे में, अगर इसको हम 0.2% अगर इसको हम 0.2% बाय मास ऑफ सीमेंट ऐड कर दें,
by 2% mass of cement added. अगर हम इसको यूज करते हैं एज ए वर्क एज अ रिटार्डर तो ये हमारे फाइनल सेटिंग टाइम को 72 या 72 घंटे से ज्यादा कर देता है, 72 hours. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 72 hours. यानी जो हमारे फाइनल सेटिंग टाइम को क्या कहते हैं 72 घंटे तक इंक्रीज कर देता है. जैसे आपको पता है कि ओपीसी में, अगर आपको पता है कि ओपीसी की फाइनल सेटिंग टाइम 8 से 10 घंटे होती है, ठीक है, और इनिशियल सेटिंग टाइम उसकी 30 मिनट होती है. इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और उसकी फाइनल सेटिंग टाइम 8 to 10 hours. ये होती है, कई जगह 8 है कई जगह 10 है, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, अगर ये है, अगर हम 0.2% बाय मास ऑफ सीमेंट, अगर शुगर को हम लोग यूज करते हैं, शुगर को हम लोग यूज करते हैं, तो इसकी जो सेटिंग टाइम वो 72 आवर्स तक चली जाएगी, तक ये इंक्रीज कर सकता है. अब बात आती है इनिशियल सेटिंग टाइम को कितना इंक्रीज कर देता है. इनिशियल सेटिंग टाइम को लगभग 4 घंटे तक इंक्रीज कर देता है, 4 आवर्स तक. जो सेटिंग टाइम 30 मिनट में जो हमारा सीमेंट जमना स्टार्ट हो जाता वो क्या होगा, 4 घंटे तक नहीं जमेगा, वो धीरे धीरे उसका केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा. केमिकल रिएक्शन का धीरे धीरे स्ट्रेंथ क्या आएगी, लेट से आएगी पर आएगी. ठीक है, और वही फाइनल सेटिंग टाइम जो 8 से 10 घंटे हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं 72 घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है, अगर हम उसको 0.2% बाय मास ऑफ सीमेंट यूज करें तो. ठीक है, तो दीज ऑल अबाउट द रिटार्डर्स. तो ये हमारा आज हमने पढ़ा अपना एक्सेलेटर पढ़ा, फिर हमने उसका रिटार्डर पे पढ़ा. तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. बाकी कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो हम कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे. तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू.